नवरात्रों का पावन पर्व शुरू हो गया है, तो आज हम आपको बताएंगे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की गाथा। नवरात्र के इन 9 दिनों में भक्त अपनी माँ की आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद भी पाते हैं। तो क्या आप जानते हैं देवी ने क्यों लिए थे 9 अवतार और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? उन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी आज की खास पेशकश में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं माँ दुर्गा के पहले, दूसरे और तीसरे रूप की। नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाता है दुर्गा के पहले रूप माँ शैलपुत्री को। शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। लेकिन दुर्गा को धरती पर क्यों आना पड़ा, इसकी कहानी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। पिछले जन्म में शैलपुत्री ने सती के रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लिया था। अपने पिता दक्ष द्वारा शिव के अपमान से आहत माँ ने आत्मदाह कर लिया था। महाशक्ति रूप में सती ही संसार में शक्ति का संचार कर रही थी। उनके जाने के बाद विश्व की समस्त शक्तियाँ गायब हो गई। निर्बल देवताओं के लिए संकट का समय था। अष्ट दक्ष से घबराकर सारे देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु की राय मानकर देवता ने माता की उपासना की। समस्त जीवों की रक्षा के लिए जगत जननी अपने दिव्य रूप में दर्शन देने आई और कहा कि वो धरती पर नारी रूप में अवतरित होंगी। इस तरह माँ दुर्गा ने शैलपुत्री के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। यही वजह है कि नवरात्र के पहले दिन भक्त शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री ने कठिन तप करके शिव को पाया था, लेकिन भक्त इस रूप की आराधना कर उनके जैसी साधना और तपस्या की शक्ति प्राप्त करने की कामना करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा जाता है माँ ब्रह्मचारिणी को। कहते हैं दुर्गा के इस रूप के दर्शन करने मात्र से विजय की कामना पूर्ण हो जाती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस शक्ति के बिना शिव अधूरे हो, वो शक्ति के बगैर संसार पूरा कैसे हो सकता है। अब संसार को इंतजार था महादेव और महामाया के महामिलन का, और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए एक बार नारद मुनि जी हिमालय के घर पधारे और शैलपुत्री यानी पार्वती से शिवलिंग की आराधना करने के लिए कहा। पार्वती भी शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती थी। भगवान भोले को प्रसिद्ध करने के लिए माँ पार्वती ने कठिन परीक्षा शुरू कर दी। पार्वती की घोर तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। कठोर तप के बाद पार्वती ने अपने आराध्य को पाया, और यही वजह है कि भक्त देवी के इस रूप की पूजा कर अपने लक्ष्य को पाने की आराधना करते हैं। तपस्वी रूप में पार्वती की तपस्या पूरी हुई। माँ पार्वती को अर्धांगनी बनाने के लिए भगवान शिव साधु के रूप में पार्वती के पास पहुँचे। ब्रह्मचारिणी के सामने उनका स्वांग कामना आया। सन्यासी रूप में पार्वती ने भोले भंडारी को आखिर पहचान ही लिया। फिर क्या था, माँ पार्वती ने अपना तपस्वी वेश त्याग कर बन गई भोले शंकर की दुल्हन। फिर हुआ महामाया और महादेव का मिलन। कहते हैं माँ चंद्रघंटा की आराधना से भक्तों को मिलता है मोक्ष। नवरात्रों के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ मनुष्य की राक्षसी प्रवृत्ति का नाश कर अपने भक्तों को तत्बुद्धि प्रदान करती है। नवरात्र के चौथे दिन करते हैं माँ कुष्मांडा की आराधना। अधिशक्ति माँ अम्बे का दूसरा रूप है कुष्मांडा। कहते हैं जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था, तभी देवी कुष्मांडा ने अपने हाथों से इस सृष्टि की रचना की थी। माँ कुष्मांडा का रूप 8 दिशाओं को दर्शाता है। इनके मुखमंडल पर मुस्कान सदैव रहती है, और माँ कुष्मांडा सूर्य लोक में सूर्य मंडल के बीच में रहती है। सिंह पर सवार माँ कुष्मांडा के हाथ में कमठल, धनुष्य बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र तथा गदा है। देवी के 8वें हाथ में कमल के फूल के बीजों की माला है, जो भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली है। इसलिए माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से जाना जाता है।
भगवती कुष्मांडा की आराधना से भक्त रोग शोक विनाश से मुक्त होकर लंबी आयु यश बल और वृद्धि को प्राप्त करते हैं। शक्ति के पांचवें रूप में माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। दुष्ट राक्षसों से स्वर्ग लोक को बचाने के लिए जगत जननी ने सनद कुमार यानी कार्तिकेय को जन्म दिया था, जिन्होंने बाद में देवताओं का सेनापति बनकर अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। माँ स्कंद माता की भक्ति करने से कार्तिकेय जैसा पुत्र प्राप्त होता है। छठे दिन माँ भगवती के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। राक्षसों से देवताओं को बचाने के लिए माँ स्कंद माता ने कार्तिकेय को जन्म दिया, लेकिन म्यासासुर के सामने कार्तिकेय की शक्तियां काम नहीं कर पाईं। ऐसे में माँ को एक बार फिर कात्यायनी रूप में धरती पर आना पड़ा और उन्होंने आकर महिषासुर का नरसंहार कर दिया। कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, जी हाँ, ये हैं माँ के सातवें, आठवें और नौवें रूप। रक्त बीज ने मचाया हाहाकार, कन्ने उसका संहार। देवी ने धरा माँ काली का रूप, सातवें रूप में कहलाई माँ कालरात्रि। जब थमा महाकाली का गुस्सा, शक्ति से मांगी शिव से क्षमा। शिव ने दिया काली को गौरी वर्ण, काली बन गई महागौरी। महागौरी ने पाई सिद्धियां, वहीं नौवें रूप में कहलाई माँ सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धियां देने वाली देवी कहा जाता है। कहते हैं इन दिनों जो भी भक्त माँ की आराधना करता है उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो इंतज़ार किस बात का, नवरात्र शुरू हो गए हैं। आप भी कीजिए देवी की आराधना और पाइए उनके नौ रूपों का आशीर्वाद। धन्यवाद।